यीशु मसीह कुमारी मरियम माता के गर्भ में आया और यीशु मसीह ने जन्म दिया। जैसे और दुनिया के लोग जन्म लेते हैं, जैसे पिता के द्वारा या पति पत्नी के द्वारा पैदा होते हैं, वैसे यीशु मसीह पैदा नहीं हुआ, परंतु यीशु मसीह दिखा है, प्रभु यीशु मसीह दिखाई हुआ। द वर्ड बिगिन फ्लैश एंड वेट अमंग अस, मतलब वचन दिखाई हुआ और हमारे बीच में आया प्रभु यीशु मसीह, और यीशु मसीह ने एक देह ली जो मनुष्य की देह नहीं है, हमारे जैसे देह यीशु ने थी, क्योंकि हमारे अंदर आदम वाली देह जिसने पाप किया, और यीशु मसीह में स्वर्गीय देह, हालेलुया, जिसमें कोई पाप यीशु मसीह स्वर्गीय देह लेकर आया, इस संसार में पैदा हुआ और इसीलिए वो मनुष्य का पुत्र कहलाया। आमीन। इसलिए बाइबल लिखा है कि दाऊद का पुत्र है ना, बोलते हैं दाऊद की संतान, और यीशु मसीह कहते हैं बार बार कहते हैं कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, मनुष्य का पुत्र खोए को ढूंढने और उनका उद्धार। तो देखिए यीशु मसीह मनुष्य का पुत्र बना शरीर में, देखिए वो किसका पुत्र है, परमेश्वर, और परमेश्वर यीशु मसीह अनादि काल से, क्योंकि परमेश्वर को ना पैदा होता है ना, परमेश्वर को बनाता है, लेकिन इसलिए प्रभु यीशु मसीह देहधारी कर हमारे बीच में आया और मनुष्य का पुत्र कहलाया, इसलिए हम यीशु मसीह की महिमा करते हैं, क्योंकि सारी जो दुनिया है परमेश्वर में लिखा हुआ है, ये पूरी सृष्टि वचन के द्वारा बनाई गई, आमीन, सारी सृष्टि परमेश्वर के द्वारा उसके वचन के द्वारा बनाई गई और यीशु मसीह में ही सारी बातें सृष्टि गई। यहां लिखा है कि इज़राइल तेरा रचने वाला, आदम को प्रभु ने रचा, हवा को प्रभु ने रचा, और खुद परमेश्वर देता है क्या मेरे बीच में, हालेलुया, तो हम परमेश्वर के सृष्टि हैं, परमेश्वर के बनाए हुए, हम किसी इंसान के बनाए हुए तो इसके किसके पुत्र हैं, परमेश्वर मानते हैं, हालेलुया, परमेश्वर हमारा पिता। तो वो कहता है तेरा सिरहार, यहोवा कहता है मत डर, परमेश्वर कहता है मत डर, क्योंकि मैंने तुझे बुला लिया है और मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है। देखिए परमेश्वर हमारे नामों को जानता है, परमेश्वर हमें जानता है, हमारे नाम को जानता है, और वो कहता है कि मैं तुझे नाम लेकर बुलाया, हालेलुया, प्रभु हमको नाम लेकर बुलाता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया कि तुम मसीह, तो अब हम किसके हैं, पौलुस ने एक बात कहना चाहता हूं, उस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम अपने नहीं हो, हम अपने नहीं है, तो जब हम अपने नहीं है परमेश्वर भी कहता है कि मत डर, मैंने तुम्हें छुड़ा लिया, तुम मेरा है, खुशबू भी नहीं जलने वाली, कोई उनके अंदर सेवता नहीं थे, परमेश्वर ने उनकी रक्षा की, क्योंकि परमेश्वर कहता है जब तू जल में होते चले है ना, तो मैं तेरे संग संग, तो नदियों में होते चले है ना, तब तुझे दुआ, इतनी गहरी नदियों, देखिए परमेश्वर के साथ है तो आपको कभी दुआ, परमेश्वर के चाहे आपको तैरना आता हो या परमेश्वर से कोई जीत नहीं सकता, इसलिए परमेश्वर कहता है तेरा छुड़ाने वाला मैं हूँ, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, जो तुझ पर चढ़ाई करेगा एक मार से कितना से भागेगा, सोच नहीं दिया भैया, जितना ज्यादा महान परमेश्वर भाई हमें एक दर्शन कर चढ़ाई कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, ये चढ़ाई नहीं कर सकता, विरोध में आ सकते हैं लोग, ऐसी बातें नहीं आएंगे, हमारे विरोध में हो सकते हैं,
मुझे आग जलाना लगेगी, है ना, उसकी लौ मुझे जला ना पाएगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ, इसराइल का पवित्र, मैं तेरा उद्धार करता हूँ। आमीन। परमेश्वर हमारी सहायता करता है और परमेश्वर हमें संभालता है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि परमेश्वर ने हमको राजा देखिए इसके साथ होने का लिखा हर एक को जो मेरा कहलाता है। हम किसे कहलाते हैं? कभी सोचते हैं केवल
परमेश्वर करता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने सलाखे खोलकर, ताला खोलकर, जेल फाटक खोलकर पतरस को बाहर निकाल दिया। हालेलुया। वो परमेश्वर है जिसने सीलास और पौलुस को जब वो कार में ठोके हुए थे, जेल फाटक में डाले गए थे, उस बंदी गृह की नींव पाया दिया था। वो परमेश्वर है, सारे ताले खुल गए थे। वो परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर कहता मत डर, मैं तेरे साथ हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना। विश्वास करते हैं आइए धन्यवाद।